नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आज की बड़ी खबर और आज का कोरोना बुलेटिन हम आपको एक बार अपडेट करवा देते हैं। 10 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने निकल कर आए हैं और अलग अलग इलाकों से ये मामले सामने निकल कर आए हैं। 5 केस जो आए हैं वो 2 घरों से अलग अलग सेक्टर 13 इलाके से निकल कर आए हैं। 1 केस जो है वो ओल्ड हाउसिंग बोर्ड से निकल कर आया है। 1 केस रमाना गांव के आसपास से निकल कर आया है। 1 केस राजीवपुरम इलाके से निकल कर आया है और 1 फाजिलपुरा गांव से केस निकल कर आया है। तो 10 केस आज कोरोना के पॉजिटिव सामने निकल कर आए हैं। ये अलग अलग इलाकों से निकल कर आए हैं। जो हम आपको जगह बता रहे हैं वो अलग अलग इलाकों की है, यानी कि राजीवपुरम इलाके से भी 1 कोरोना पॉजिटिव केस आया है। साथ ही साथ 5 के सेक्टर 13 इलाके से आए हैं, 2 अलग अलग घरों से आए हैं, 1 हाउसिंग बोर्ड इलाके से आया है और इसके अलावा और भी जगहों से जो है केस सामने निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अलर्ट रहेंगे तो फिर घबराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अलर्ट रहना है। हम आपको पूरा अपडेट एक बार दे देते हैं कि अब तक करनाल के अंदर कुल कितने केस आ चुके हैं। 221 कल तक केस थे, 10 आज आ जाते हैं, 231 हो जाते हैं। वहीं जो ठीक होकर लोग अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या 122 हो जाती है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 96 कल तक की, 10 आज आ जाते हैं तो 106 हो जाते हैं और 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब तक करनाल के अंदर 231 कुल केस आ चुके हैं। 221 कल तक थे, 10 आज आए हैं, 96 केस कल तक एक्टिव थे, 10 आज आ जाते हैं तो 106 हो जाते हैं, 122 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 93 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो फिलहाल आपको समझने की ज़रूरत ये है कि आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्टर 13 में 1 घर के अंदर जहां पर 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई गई है। ये बताया गया है कि उनके आस पड़ोस के अंदर पहले एक मेड कोरोना पॉजिटिव आई थी जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली थी, वो भी उनके घर आती है और काम करती है और उसके बाद वो लोग भी संपर्क में आए हैं। तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी जो है जो सिम्टम्स फैलने, क्योंकि लगातार ये बात सामने निकल कर आती है कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से संक्रमण ज़्यादा फैलता है। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है और उन लोगों के संपर्क में नहीं आना है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र सिंह जी, आज आपके इलाके में कितने केस निकल कर आए हैं सामने जी? कहाँ कहाँ पर है? एक तो 599 ओल्ड हाउसिंग बोर्ड और 2 है, एक अपना एक इसमें 1080 में, 1080 में और 3 है 1116 में। तो उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह? जो 1080 की उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, कोई मेड काम करने आओ थी उनकी उसकी वजह से। और जो 1116 हैं वो दिल्ली से, उनकी दिल्ली से ट्रैवल है। और जो 599 मिली ये भी दिल्ली से आया। तो वो किसी मेड के संपर्क में आए थे, वो कोरोना पॉजिटिव आई थी? हाँ, 1080 वाले जो दिल्ली से आई थी मैं और उसके संपर्क में आने से। तो आप देख सकते हैं कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही अपील हम लगातार करते आते हैं और आप लोगों से आगे भी यही अपील करेंगे, क्योंकि आप लोग अगर एहतियात बरतेंगे तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी और ना ही डरने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या बताना चाहेंगे, कितने केस आए हैं आपके इलाके में सर? आज 6 केस आए हैं अपने सेक्टर 13 में, जिसमें 1080 नंबर में 3 है, ये 599 ऊपर एक है और 1116 नंबर उसमें 2 है। तो 1080 तो जो मेड थी 1081 वाली, वो इनके यहाँ मेड लगी थी तो वही कारण है, बाकी ट्रैवल हिस्ट्री है दिल्ली से। तो मतलब वो उनके संपर्क में आने से पॉजिटिव, संपर्क में आने से हुआ। और मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ सभी निवासियों से कि कृपया घर में रहें, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें। और इस टाइम ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है और पीक पे है, तो जितना हम अपना बचाव कर लेंगे उतना अपने परिवार का बचाव करेंगे। तो सबसे ये अपील है कि घरों में रहें और अपना प्रिकॉशन रखें, जरूरी कार्य ही बाहर जाए। सेक्टर 13 से
आज सेक्टर 13 से हमारे 6 पॉजिटिव हैं, 3 तो 1080 में हैं और 2 1016। तो सर वो मेड के कॉन्टेक्ट में आने से हुए हैं शुरुआत तौर पर, ऐसी जानकारी? हाँ, उसके पड़ोस में पहले ही पॉजिटिव है 108। तो क्या निवेदन करना चाहोगे अगर इस तरीके से लोगों से ये अपील करते हैं कि कोई जरूरी कार्य वो तो जाए नहीं तो घर में रहें, और जो भी कहीं बाहर से कोई भी आदमी आता है तो अड़ोस पड़ोस वाले जरूर प्रशासन को बताएं, और उनका जब तक टेस्ट नहीं होता वो अपने घर में रहें, और जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो वो अपने घर में। इनकी क्या हिस्ट्री है सर? इनका बेटा एक MBA का स्टूडेंट है दिल्ली में। दिल्ली कब आए थे ये खबर? तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर घबराएंगे तो फिर कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए भी पैदा होगी, आपके परिवार के लिए भी पैदा होगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और अलर्ट आप तमाम सावधानियां बरत के रह सकते हैं, चाहे वो मास्क का इस्तेमाल हो, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल हो, या फिर भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाकर वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 10 केस आए हैं, अलग अलग इलाकों से आए हैं, 221 पहले केस थे, 10 आज आ जाते हैं, 231 हो जाते हैं, 96 लोग पहले एक्टिव थे, 10 और आ जाते हैं, 106 लोग एक्टिव हो जाते हैं, और इसके साथ साथ काफ़ी लोग जो हैं वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। संख्या आंकड़ा जो है ठीक होकर घर जाने वालों का ज़्यादा है, तो आप ये चीज़ समझिए कि लोग जल्दी जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। ये आम फ्लू की तरह है, यानी कि खांसी बुखार जुकाम की तरह है, और बस उसमें एहतियात आपको थोड़ी सी ज़्यादा बरतनी है, क्योंकि इसकी जो फैलने की शक्ति है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि ये संक्रमित लोगों को थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर लेता है। तो अगर आप दिल्ली NCR रेड जोन एरिया से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अस्पताल में जाएं, वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवाएं, अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर आपको भर्ती कर लिया जाएगा, और नेगेटिव पाए जाते हैं तो आप घर आ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। इस स्थिति को समझना है, और ये स्थिति अगर आप समझ जाते हैं तो फिर फैलने का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। आज करनाल के अंदर 10 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं, अलग अलग इलाकों से आए हैं। बस बरतना यही है कि आप सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। वो तभी हो सकता है जब आप अलर्टनेस दिखाएंगे, आप सावधानियां बरतेंगे। अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, और यही हम अपील आप लोगों से करते हैं कि अगर आप दिल्ली रेड जोन एरिया से आ रहे हैं, NCR से आ रहे हैं, तो आप लोग अपने घर ना जाकर हॉस्पिटल जाएं और वहां पर जाकर अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। जाते जाते आप लोगों से अपील है कि अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए, आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हर बड़ी खबर या करनाल की और कोई बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।